कहाँ लग गए, अब हो रहा है, चल तो रहा है यार। आज वो ओपन कैमरा चला रहे हैं, मतलब दूसरा वाला एक ऐप है एप्लीकेशन उसका, सुनने में आ रहा है, बताया जा रहा है, लिख नहीं पाए क्या बात, बातें कर लो, बातें कर लो। चलो आज का टॉपिक डालो, क्वालिटी है, ठीक है। क्वालिटी में हम लोग पढ़ चुके हैं, भाग चार तक पढ़ चुके हैं जी। आपका क्या नाम है? बॉबी, ठीक है। तो हाँ ठीक है, बॉबी, ठीक है, ओके ओके ओके, नहीं समझ गए, ठीक है। तो आपका वैसे ठीक है यार, बस बस, ठीक है। मतलब कुछ लोगों के ऐसे नाम होते हैं वो, मतलब आप एक बार में नहीं समझ पाओगे इसमें, ठीक है। हाँ तो आपका मतलब क्या, बीएससी वगैरह कुछ क्या चल रहा है? सब कंप्लीट है, अच्छा तब तो ठीक है। कुछ फॉर्म वगैरह पड़े हैं क्या? तब तो यार सही, तैयारी चालू करो, दो चार महीने में बढ़िया से सब कुछ आ जाएगा, ठीक है। लेकिन अपने पड़ोसी से बच के रहना, ठीक है। कोशिश करना दूसरी सीट में विकास, आज आज नहीं, शांत रहो शांत रहो, थोड़ा साइड में मतलब, अच्छा अरे नहीं ठीक है, आगे नहीं, ठीक है। हाँ ठीक है, तो हाँ ठीक है, ये सारी चलो आज का टॉपिक डालो। टॉपिक है भाग पांच, ठीक है, भाग पांच, क्वालिटी का भाग पांच, ठीक है। पढ़ के तो वैसे भी सब लोग आते हैं ना, बच्चे अच्छे हैं, ठीक है, सारे बच्चे अच्छे हैं, बन के सच्चे हैं, ठीक है। चलिए शुरू करें अपना, भाग पांच है और जो संघ को दिशा दर्शाता है, ठीक है, संघ को दिखाएगा। और हाँ ठीक है, पांच मिनट का अपना टाइम है आपके पास में, पांच मिनट का, ठीक है। पांच मिनट में अपना कुछ जैसे भी करो, ठीक है। पांच क्वेश्चन अपने हिसाब से अपने तरीके से बताने हैं, अभी तक जो पढ़ाया जा चुका है, ठीक है। जल्दी टाइम स्टार्ट, ठीक है, हाँ अपने हिसाब से पांच बताने, ठीक है, पांच सवाल आपको बताने हैं खुद, ठीक है, उनके उत्तर भी बताने हैं, ठीक है, पांच मिनट, हाँ ठीक है। अगर ऐसा नहीं कर पाते हैं आप तो फिर हम फिर क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, हाँ आप जैसे भी करो, ठीक है, पांच मिनट का टाइम। हो गए, संसद 79 से 122, कार्यपालिका 100, केंद्र में राज्य में केंद्र राज्य के, विकास पाल थोड़ा ऑफिस में बोलो, देखो मैं आंसर होंगे,
विकास पाल कौन कौन है विकास पाल? ठीक विकास वो देखो ऑफिस में जाओ थोड़ा, मैं सर बुला रहे हैं, जाओ देखो। और मतलब आप गायब कहाँ रहते हैं? ठीक है माल बहुत चमक रहे हो, क्या बात है? अगर हाँ ऐसा कुछ है आपका तो 12 बजे के बाद टाइमिंग ही टाइमिंग है। ठीक है तो वो सब अपना टाइम अलग अलग सेट करो, ठीक है उसी में सब करना चाह रहे हो आप तो फिर बेकार है। ठीक है हो गया सुना से डन, बताओ पांच सवाल बताओ अपने, पांच सवाल पांच उत्तर बताओ, ऐसे बताओ ना अपने हिसाब से। देखो इतने सरल ये बताओ क्या होता है। चलो अच्छा सच्चिदानंद को क्यों बनाया गया था अस्थाई अध्यक्ष? आपका दिखा ना कुछ पढ़े हैं? हाँ बताओ कि कृषि एवं पशुपालन किस आर्टिकल में, कृषि एवं पशुपालन किस आर्टिकल में आपका दिखाना क्या पढ़ा? कृषि एवं पशुपालन भूल गए आपका कौन सा, कुछ भी पूछने। आपातकाल कहाँ से लिया गया आपका, आपसे कुछ ऐसे कुछ भी तो आप ये बताओ, इसी में से बता दो कि जर्मनी से। ठीक है अच्छा आप बताना है कि राष्ट्रपति का पद कहाँ से लिया गया? अमेरिका से। ठीक है आप बताना है कि राज्यपाल के जो नहीं राष्ट्रपति का निर्वाचन पद्धति कहाँ से ली गई? अच्छा ये वाला अंटोरी लास्ट किसकी बुक है? अस्किन की है। ठीक है आप दिखाओ प्रोफेसर अल्बेरो, ये क्या लिखा प्रोफेसर अल्बेरो ने होप ऑफ इंडिया भारत की आशा की उपाधि दी है। अच्छा इनको डॉक्टर नोरोजी, ठीक है दादा भाई नोरोजी। अच्छा होप ऑफ इंडिया जो है भारत की आशा ये क्या लिखा है, उपाधि किसकी है? अच्छे विज्ञान का जनक किसे कहते हैं? अच्छा पहली बार ये कब वो करते हैं मतलब राष्ट्रीय आय की गणना करते हैं? कहाँ से पूछा जाए बताइए आप कि मूल अधिकार अल्पीकरण की बात किसने की गई? मतलब मूल अधिकार अल्पीकरण मतलब कुछ ऐसे आपातकाल या सैनिकों के अधिकार कम कर दिए करे जाएंगे ऐसा कुछ, 33 में भी है 13 में भी है। ठीक है और बताइए अच्छा और बताओ कि 86वां संविधान संशोधन क्या था? 86वां संविधान 86 वाले। हाँ तुम यार भूल का है सब बताओ पढ़ो फिर से। साइमन कमीशन का विरोध लाला जी कहाँ से कर रहे थे? लाहौर से, लाहौर लाहौर में तो लाठी चार्ज हुआ था। आप दिखाओ क्या लाओ जल्दी सुनाओ जैसे हो गया टाइम अपना क्लास चालू कर दें टाइम इज ओवर। क्या पूछा जाए जी? 18वीं लोकसभा का जो आपका चरण जो अभी चुनाव हुआ कब से कब तक चला? ठीक है अच्छा ठीक है आप बताओ उसमें एक जून को मौलिक अधिकार के समिति की सिफारिश पर जोड़ेंगे और आपका दिखाना कुछ पड़े सफरू तेज बहादुर सफरू। ठीक है राज्यपाल की नियुक्ति किस देश के संविधान से ली गई? कनाडा से। आप दिखाओगा कनाडा से, वो आयरलैंड से वो राष्ट्रपति के निर्वाचन। नंद वंश का संस्थापक बता दो, नंद वंश का आप भी याद करो कुछ याद करो कुछ भी इधर से हार्डिंग सेकंड पर बम किसने फेंका? ठीक है चलो देखो आर्टिकल पांच ये भाग पांच है आपका 52 से 151 तक शुरू होता है
और इसमें संघ की बात की गई है, संघ में आता कौन कौन से है, तो लिखना इसमें क्या क्या आएगा, तो संघ की बात होगी, ठीक है, हाँ पढ़ो, ठीक है, डन। संघ में आता क्या क्या है, तो इसमें आएगा भाई क्या आएगा, तो आपका ये राष्ट्रपति वगैरह की शुरुआत होती है इसी में, ठीक है, राष्ट्रपति की शुरुआत होती है और इसी में आता है, इसमें देखो क्या क्या आएगा वो सारी चीजें एक बार लिख लो पहले, ठीक है, तो कार्यपालिका आएगा, क्या आएगा, कार्यपालिका आएगा, कार्यपालिका आएगा, ठीक है, कार्यपालिका, और ये कब से, तो आर्टिकल 52 से 78 तक ये होगा, ठीक है, उसके बाद में कार्यपालिका के बाद में आपका आएगा संसद आएगा, ठीक है, संसद आएगा, तो संसद आएगा, तो संसद आएगा, तो ये 79 से 122 तक आर्टिकल तक है, उसके बाद में आपका राष्ट्रपति की विधायी शक्ति, राष्ट्रपति की अध्यादेश वाली शक्ति, ठीक है, अध्यादेश की शक्ति, अध्यादेश शक्ति, ये आपका आर्टिकल 123 आर्टिकल 123 में है, ठीक है, आर्टिकल 123। फिर उसके बाद में चलता है सर्वोच्च न्यायालय, इसी में आता है आर्टिकल 124 से 147 तक चलता है, हाँ 147, हाँ तो इसी में आकर आता है सर्वोच्च न्यायालय, ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय आपका आर्टिकल 124 से 123 तक हो गया, आर्टिकल 124 से 147 तक, ठीक है, और लास्ट में चलता है आपका महान्यायवादी, ठीक है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, ठीक है, नियंत्रक, हाँ नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, ठीक है, महालेखा परीक्षक, लेखा परीक्षक, परीक्षक, ठीक है, तो ये आर्टिकल 148 से चलता है और 100 आपका कितने तक, 151 तक चलता है, ठीक है, आर्टिकल 151 तक चलेगा, तो ये भी आपको याद रखना है, ये कभी कभी ऐसा पूछ लेता है, ठीक है, तो आपको क्या आता है संघ में क्या क्या आएगा, तो संघ में आएगा आपका क्या, आपका आएगा कि कार्यपालिका, कार्यपालिका आएगी जो 52 से 78 तक है, और संसद आपकी 79 से 120 तक बताया गया है, फिर उसके बाद में राष्ट्रपति की अध्यादेश शक्ति 123 में है आर्टिकल, फिर सर्वोच्च न्यायालय 124 से 147 तक चलता है, फिर उसके बाद में नियंत्रक महालेखा परीक्षक 148 से आपका 151 तक चलता है, ठीक है, 148 से 151 तक सीएजी के बारे में बात करी जाती है, ठीक है, सीएजी मतलब आपका ये होता है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की बात की जाती है, ठीक है, अब इसमें कुछ चीजें हैं वो आपको बेसिक वाली चीजें हम एक बार पहले बता भी चुके थे, और फिर उसके बाद में आपका ये राष्ट्रपति पढ़ेंगे, ठीक है, तो पहले स्टार्टिंग में कुछ चीजें बता दें, पढ़ना हमको क्या है, राष्ट्रपति आज टॉपिक है आज का, ठीक है, राष्ट्रपति को पढ़ेंगे, ठीक है, राष्ट्रपति पढ़ा जाएगा, टॉपिक है अपना, अब इसको मिटा देना, हाँ, और इसमें ये चीजें शायद आपको पता भी होंगी, हमने बताया भी था आपको, और शायद तब की आपको याद हो क्या होती है कि इसमें क्या क्या चीजें आती हैं, एक आता है आपका, एक होता है विधायिका होता है, ठीक है, विधायिका होता है, ठीक है, एक होता है कार्यपालिका होती है, ठीक है, हाँ कार्यपालिका होती है, एक होती है न्यायपालिका होती है, ठीक है, न्यायपालिका होती है, तो न्यायपालिका होती है, ये कोई बता सकता है, ये उस दिन हमने निशान पढ़ाया था, ये वाला निशान कौन सा है हिंदी में बताओ, ये इसको बोलते क्या है ये बताओ, भूल गए, ये ऐसे लगवाना देते, जैसे डॉक्टर लिखा हमने, डॉक्टर लिखा, हाँ कोई एमए लिखा, ठीक है, लाघव चिन्ह, ठीक है, लाघव चिन्ह या फिर इसी को संक्षेपण चिन्ह बताया जाता है, क्योंकि संक्षिप्त में बताया जाता है, हाँ चलो अच्छी बात है, नहीं देखा, आप देखो इतना लिख लिया ना सब, ठीक है, डन, आगे बढ़ते हैं, देखो ये विधायिका क्या होती है, कार्यपालिका क्या होती है, न्यायपालिका क्या होती है, इसको समझो भाई, जिस किसी को पता है विधायिका क्या होती है, तुम लोग सब भूल जाते हो, बताओ, एक दिन ऐसे चल रहा था, क्लास चल रहा था, तो सबको फिर हो गया था भाई सिस्टम, देखो विधायिका बना कैसे है, तो विधायिका अपना विधि से बना है, ठीक है, विधि से बना है, विधि का मतलब क्या होता है, हाँ विधायिका का मतलब है, सुनो बस, ओके, ठीक है, देखो विधायिका का मतलब क्या होता है, इसमें इसमें कौन कौन आएगा, विधायिका का मतलब एक ऐसी संस्था टाइप की समझो जहाँ पर विधि बनाई जाती है, ठीक है, विधि का मतलब क्या है, कोई प्रस्ताव लाया जाता है, ठीक है, जैसे इसके लिए क्या क्या होता है, एक आपका, एक में केंद्र में आता है और एक आपका राज्यों में होता है, ठीक है, राज्यों में, तो केंद्र में आपका जो विधायिका वाले होते हैं वो आपका होता है कि लोकसभा होगा, ठीक है,
लोकसभा होगा और एक आपका राज्यसभा होगा, ठीक है। तो इन्हीं में तो होगा, ठीक है। बनाएगा कौन, प्रस्ताव कौन लाएगा, कौन कौन लाएगा, राष्ट्रपति कौन लाएगा, सांसद या विधायक लाएंगे, ठीक है। सांसद, सांसद वगैरह बैठते हैं ना, सांसद यही तो प्रस्ताव लेके जाएंगे कि ऐसा ऐसा होना चाहिए, ठीक है। तो ये हाँ, विधि बनाने का काम जो जहाँ पर होता है उसे विधायिका कहते हैं। केंद्र में जो विधि बनाई जाती है तो लोकसभा में होगी या फिर राज्यसभा में होगी। राज्यों की बात आएगी तो राज्यों में आपका ये होगा, आपका विधानसभा होगी, विधानसभा होगी या फिर आपका क्या होगा, विधान परिषद होगी, ठीक है। विधान परिषद होगी, ठीक है, विधान परिषद होगी। तो विधान परिषद इनमें आपका क्या होता है, विधि बनाई जाती है, ठीक है, विधि बनाई जाती है। उसके बाद में क्या है, ये राज्यों का है, ये केंद्र का है। विधि बनाने का काम विधायिका का होता है, ठीक है, विधि बनाने का काम विधायिका का होता है। यहाँ पर लिखना कि विधायक विधान परिषद है केवल 6 राज्यों में ही है, ठीक है। कितने, केवल सिर्फ और सिर्फ 6 राज्यों में है, ठीक है, 6 राज्यों में। इसको कैसे याद करते हैं कि तू भी मजा कर, ठीक है, तू भी मजा कर, ठीक है, ऐसे करके, ठीक है, ऐसे करके। तो ऐसे क्या हो जाएगा, तेलंगाना हो जाएगा, ठीक है, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, यूपी हो जाएगा, बिहार हो जाएगा, ठीक है, बिहार, और फिर मिजोरम होगा, ये आपका कर्नाटका कर लो, ठीक है, कर्नाटका हो गया, ठीक। उसके बाद में ये महाराष्ट्र है, ठीक है, महाराष्ट्र है, और ए फॉर आंध्र प्रदेश है, यही तो गलत तो नहीं है, सारे सही है, ठीक है, सभी तो है, आंध्र प्रदेश है, सही है, ठीक है। विधान परिषद में कार्य यही विधि वाला होता है, विधि बनेगी, ठीक है। अरे वही देखो ना कि कोई भी प्रस्ताव लाया जाएगा या फिर विधान परिषद में लाया जाएगा या विधानसभा में, हाँ, ये राज्यों के लिए है भाई, राज्यों में ये आपका विधि बनाने का काम है, ठीक है। पास करेगा राज्यपाल, यहाँ पर करेगा, ठीक है, राज्यपाल। अरे भाई देखो, पहले कोई भी मतलब प्रस्ताव आया, ठीक है, प्रस्ताव आया कि ऐसा ऐसा होना चाहिए, ठीक है, कोई प्रस्ताव आ गया तो प्रस्ताव चाहे इसमें लाओ या इसमें लाओ या कुछ ऐसे मतलब प्रस्ताव में जो जैसे धन विधेयक है, वित्त विधेयक, ये सारे आपके इसी में आएंगे, विधानसभा में आएंगे, ठीक है, ये इसमें लोकसभा में आएगा। तो कुछ ऐसे हैं, कुछ हैं कि सब में आ सकते हैं। तो यहाँ पर जैसे इसमें आया, इसमें आने के बाद में फिर जब इसमें से पारित हो जाएगा तो इसमें भेजा जाएगा, जब ये लोग पारित करके भेजेंगे तो उसके बाद में जाएगा किसके पास में, राज्यपाल के पास जाएगा। राज्यपाल जब इसमें मोहर लगा देगा, साइन कर देगा, और उसके बाद में तब ये एक्ट बन जाएगा, तब ये कानून बन जाएगा, ठीक है, तब ये कानून बन जाएगा। पहले क्या था, तो पहले ये क्या था भाई, एक विधेयक था, क्या था, एक विधेयक था, और ये फिर क्या बन गया, कानून बन गया, ठीक है, कानून बन गया। तो ये हो गया आपका विधायिका। विधायिका का पोर्शन क्या रहता है, केंद्र में आपका ये है लोकसभा, राज्यसभा, राज्यों में क्या होता है, विधानसभा, विधान परिषद होती है, सिर्फ 6 राज्यों में, तेलंगाना, यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, फिर और आंध्र प्रदेश, फिर कर्नाटका, ठीक है, इनको आप याद कर लेना सही से। उसके बाद में आपकी कार्यपालिका की बात आती है, कार्यपालिका में कौन कौन सा होता है, तो कार्यपालिका की अगर बात आती है तो ये भी आपका कार्यपालिका, इसमें कौन आएगा, तो कार्यपालिका जब भी वो नियम कानून बन गया, कानून बनने के बाद इसको लागू कराने का काम कार्यपालिका का होता है, ठीक है, लागू कराने का काम कार्यपालिका का होता है। और इसमें केंद्र में क्या क्या होते हैं, तो केंद्र में और राज्यों में, ठीक है, राज्यों में तो केंद्र में क्या होगा भाई, केंद्र में होगा आपका राष्ट्रपति होता है, ठीक है, राष्ट्रपति होता है, पीएम होता है, ठीक है, फिर उसके बाद में मंत्री वगैरह होते हैं, ठीक है, मंत्रिपरिषद होती है, ठीक है, मंत्रिपरिषद होते हैं, ये सारी चीजें इसमें आती हैं। इसमें क्या होगा, इसमें सीएम आपका होगा, इसमें आपका राज्यपाल होगा, ठीक है, राज्यपाल होगा, फिर उसके बाद में इनका मंत्रिमंडल होगा, ठीक है, मंत्रिपरिषद होगी, तो ये सारी चीजें इसमें आती हैं। लास्ट बचा आपका न्यायपालिका, जब भी कोई नियम कानून में दिक्कत होगी या कुछ भी होगा तो लास्ट में न्यायपालिका के पास जाएंगे, ठीक है, किसके पास में, न्यायपालिका के पास में जाएंगे। और न्यायपालिका में क्या क्या आता है, आपका सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, फिर उसके बाद में ऐसे चलता चलता आपका लोक अदालत भी चलती है, ठीक है, लोक अदालत ऐसी है आपके न्यायालय वाली है जहां पर एक भी पैसा आपका नहीं पड़ता है, ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट वहां पर न्याय मिलता है, ठीक है, लोक अदालत आप चाहे सुने होंगे, ठीक है। तो वहां पर क्या होता है, वहां पर आपका समझौता वगैरह करा दिया जाता है अच्छे से, उसके बाद में एक भी पैसा आपका खर्च नहीं होगा, ठीक है, लोक अदालतों में तो लोग, लेकिन यहाँ पर मतलब लोग जाते वगैरह नहीं है, ठीक है, बहुत रेयर केस में जाएंगे, जब मतलब लोगों को जानकारी होगी तभी तो जाएंगे, ठीक है। तो ये हो गया आपका सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, ये सारी चीजें आपको पता भी होंगी, ठीक है, डन। अब चलते हैं राष्ट्रपति से, ठीक है,
अब लिखनो, अच्छे से लिखो, राष्ट्रपति, ठीक है, राष्ट्रपति। चलो पहले इसको क्या करेंगे, पहले राष्ट्रपति का एक ओवरव्यू लिख लो, मतलब अच्छे से जहां से क्वेश्चन सारे मिलते हैं एक बार में, ठीक है। तो इसको कैसे याद करते हैं, तो इसका तरीका है आपका याद करने का, लिखो, ये चलता है प का नी और को का और दियो दियो दशम, ठीक है, दशम दियो दशम, ठीक है। फोन वगैरह आ रहा था क्या, देखो इसमें चल रहा है कि नहीं। अब देखना ये हो गया आपका, ये ऐसे याद करेंगे, इनको कैसे याद करेंगे, पका निकोका दियो दशम, ठीक है, एक दो बार कहो सभी लोग, पका निकोका दियो दशम, ठीक है, पका निकोका दियो दशम, ठीक है, ये याद कर लो। आर्टिकल आपके राष्ट्रपति से पूछे जाते हैं प्रॉपरली, तभी एक ही बार में सारे आर्टिकल याद कर लो। कैसे याद करेंगे, पकानी कोका कोका दियो दशम, ठीक है, दियो दशम दियो दशम, ठीक है। तो ये हो गए आपके दियो दशम, ये हो गई आपकी ट्रिक, ठीक है, क्या है, पकानी कोका दियो दशम, ठीक है, हाँ ठीक है, पकानी कोका दियो दशम, सबको याद हो गया, बस बस ठीक है, बस ऐसे याद कर लो। अब चलते हैं सीधे, पास से क्या होगा, पास से पद हो जाएगा, ठीक है, पद, और ये बावन से कर दो, ठीक है, बावन, ये सारे ऐसे हैं, जैसे ये बावन है तो ये तिरपन होगा, ठीक है, ये चौवन होगा, ये पचपन होगा, ठीक है, और ये छप्पन होगा, ये सत्तावन होगा, ये अट्ठावन होगा, ये उनसठ होगा, ठीक है, उनसठ, और ये साठ होगा, और ये आपका क्या है, इकसठ, ठीक है, हाँ आप लोग तो कुछ तो आपको रटे होंगे वैसे भी पहले से, ठीक है, हाँ फुल फॉर्म, ठीक है, ये माँ से लिख लो आपका महाभियोग होता है, ठीक है, महाभियोग होता है, महाभियोग होते हो, ठीक है, सा से आपका शपथ होता है, ठीक है, सा से शपथ होता है, दा से आपका क्या होता है, दोबारा निर्वाचन, ठीक है, हाँ दोबारा नियुक्ति, ठीक है, दोबारा निर्वाचन, ठीक है, नियुक्ति नहीं होती है, ठीक है, गर्वा वाला निर्वाचन होता है, ठीक है, क्योंकि राष्ट्रपति दोबारा तिबारा कितनी भी बार बदले कोई उसको रोक नहीं सकता है, ठीक है। और इसमें दा फार लिख लो, इसमें दो, नहीं नहीं गलत हो गया यार, दा लिखो दशाएं ओम सरते हैं, ठीक है, 59 में दशाएं ओम सरते हैं, दोबारा निर्वाचन इसमें है, ठीक है, ये दो में है, ठीक है, दोबारा जी बताइए भाई साहब, राष्ट्रपति पर लगता है, ठीक है, महाभियोग का मतलब क्या है, जब वो हाँ अपनी शक्तियों का जब दुरुपयोग करेगा तब, ठीक है, या फिर वो अक्षमता हो जाए, मतलब वो कार्य करने के लायक नहीं है तब भी काम कर रहा है तब लाया जाएगा, या फिर वो संविधान का अतिक्रमण कर रहा है, जो संविधान में लिखा है उसके अलावा कुछ काम कर रहा है, ठीक है, ऐसा होना नहीं चाहिए, तब लाया जाता है, हाँ ठीक है। कौन लगाता है, देखो संसद में, संसद में जो मेंबर होते हैं, ठीक है, वही लोग लाते हैं, जैसे देखो एक मिनट, ये फिलहाल आगे का अभी आगे पढ़ाएंगे, लेकिन यहीं पे समझ लो, ठीक है, आपने जैसे पूछा है तो यहीं पे समझ लो। देखो महाभियोग आएगा कब, तो सिंपल सा देखो, महाभियोग आएगा कब, तो महाभियोग वाली बात आती है आर्टिकल 61 में बताया गया है, ठीक है, 61 में, आर्टिकल 56 में बोला गया ऐसा क्यों लाया जाएगा महाभियोग, महाभियोग लाने का रीजन बताया गया 56 में, ठीक है, चलो ठीक है। फिर उसके बाद में महाभियोग जो होगा पूछा जाता है, ये महाभियोग का प्रस्ताव किस सदन में लाया जाएगा, तो किसी भी सदन में लाओ, ठीक है, ये इसलिए बता रहे हैं यहाँ से जितने क्वेश्चन बनते हैं सब यहीं पे कर लो, ठीक है, किसी भी सदन में लाओ, ठीक है, किसी भी सदन में लाओ, किसी भी सदन में लाओ, ठीक है, जब लाया जाएगा प्रस्ताव लाया जाएगा, ठीक है, हम भी मतलब उसमें आपका संसद का सदस्य है, ठीक है, हम हैं और हम राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग का प्रस्ताव ला रहे हैं, तो ठीक है, तो बाकी क्या है, जब लाएंगे तो हम क्या करेंगे, हमको मतलब एक बटे चार मतलब एक चौथाई लोगों का समर्थन होना चाहिए, जैसे क्या है 100 लोग हैं तो 100 लोगों में कम से कम 25 लोग हमारे मतलब उस पर साइन करेंगे कि हाँ सर ऐसी ऐसी बात है, महाभियोग होना चाहिए, अब वो प्रस्ताव पे साइन हो गया, अब वो आगे बढ़ेगा, आगे बढ़ने का मतलब क्या है, अब वो जैसे लोकसभा में है, ठीक है, लोकसभा में आया तो लोकसभा में पहले तो मतलब ये होगा 1/4 होगा, उसके बाद में लोकसभा में जब पारित तब माना जाएगा जब 3/4 से जब ये पारित हो जाएगा 3/4, ठीक है, उसके बाद में राज्यसभा में जाएगा, यहाँ से जब पारित हो गया तो राज्यसभा में,
तो राज्यसभा में जब जाएगा तो 3/4 इसमें भी होना चाहिए, ठीक है, कुल सदस्यों का 3/4 बहुमत उसमें जब हो जाएगा तभी उसमें माना जाएगा। जब यहाँ पर पारित हो गया राज्यसभा में, राज्यसभा में पारित होने के बाद में अब यहाँ पर राष्ट्रपति को मौका दिया जाएगा अपनी सफाई देने का। अगर उस सफाई में वो मतलब नहीं अच्छे से दे पाते तो यहाँ पर, या फिर सही पाया गया कि हाँ ऐसा होना चाहिए, इनको हटाया जाना चाहिए, तब हटा दिया जाएगा। ये है इनका महाभियोग का जो सीन चलता है कैसे हटाया। अभी तक फिलहाल राष्ट्रपति अपने यहाँ के कोई भी महाभियोग से हटाए नहीं गए हैं, ठीक है, महाभियोग से हटाए नहीं गए। ये महाभियोग है। और अगर पूछे अभियोग किस पे लगता है तो आम इंसान पे लगेगा, महा किस पे लगेगा तो राष्ट्रपति पे लगेगा, ठीक है। अब आगे चलते हैं, आगे यहाँ पर लिख लो योफर क्या हो जाएगा, योफर योग्यता, ठीक है। का से क्या हो जाएगा, कार्यकाल हो जाएगा, ठीक है, का से कार्यकाल। कोफर क्या हो जाएगा, कोटायोम रीति, ठीक है, कोटायोम रीति। और नी से क्या हो जाएगा, नियुक्ति या निर्वाचन होगा भाई, ठीक है, निर्वाचन होगा, ठीक है, निर्वाचन होता है भाई साहब, ठीक है। नियुक्ति का बता रहे हो, नियुक्ति तो होती नहीं, प्रधानमंत्री की होती है, ठीक है, हाँ। और अरे यार कैसे कह देंगे भाई, आप ही बताओ, नियुक्ति निर्वाचन अलग अलग है। यहाँ पर कार्यपालिका शक्ति, ठीक है, कार्यपालिका की शक्तियाँ, की शक्ति, ठीक है, शक्ति, ठीक है, ये है आपकी, ठीक है। तो और दास क्या हो जाएगा, दशाएं ओम सरते हैं, ठीक है, दशाएं ओम सरते हैं, दशाएं ओम सरते हैं, दशाएं ओम सरते हैं, ये आपकी है, ये रामबाण वाली है भाई, इसको याद कर लो, काम आएगा, ठीक है, हाँ। कोटा रीति, रीति का मतलब है इसमें, अभी इसको पूरा मतलब पढ़ना है, ठीक है, पढ़ना का मतलब क्या है, इसमें ये होता है जैसे नहीं, इसमें हम लोग करते हैं वोटिंग करते हैं, जैसे अभी नहीं हुआ था, इसमें हम लोगों ने दिया कि जैसे साइकिल को देना, साइकिल को दे दिया, ठीक है, या फिर कमल को देना, दे दिया, ठीक है। उसके बाद भी क्या हुआ, उसके बाद में, लेकिन इसमें राष्ट्रपति वाले में क्या होता है, जितने भी कैंडिडेट खड़े हैं उसमें ये होता है कि मानते हैं कि उसमें प्राथमिकता चलती है, मतलब कि जिसमें चार बंदे खड़े हैं, चार लोग खड़े हैं, जैसे ये चार लोग हैं, ठीक है, ये चार लोग खड़े हैं, ठीक है, ये चार लोग खड़े हैं, ठीक है, ये चार लोग खड़े हैं, अब हमको लगा कि इनको इनको जीतना चाहिए, ठीक है, इनको जीतना चाहिए, तो एक नंबर पे इनको हम दे देंगे, प्राथमिकता देंगे, ठीक है। दूसरे पे कहते हैं इनको देना चाहिए, तीसरे पे कहते हैं इनको, फिर चौथे पे ऐसे, ये होता है ग्रीट इनका, ठीक है, हाँ, ठीक है, जैसे भी हो इसमें, ठीक है, इसमें यार कुछ नहीं है, इसमें साइकिल कमल कुछ नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया आपका कोटा अमृति वाला, अभी इसको डिटेल में पूरा पढ़ेंगे, ठीक है। क्या लोकसभा में, हाँ, ये इतना तो होना चाहिए, दो तिहाई बहुमत, ठीक है, दो तिहाई बहुमत होना चाहिए, तब जाके पारित होगा राष्ट्रपति, तभी तो। और दो तिहाई वाला कभी ऐसा हो ही नहीं सकता है, क्योंकि बंदा जो होगा, जिसकी सरकार होगी, जो वर्तमान में पक्ष में हो, मतलब वो उसमें होगा, केंद्र में होगा, जिसकी सरकार होगी उसी के साइड तो ज्यादा लोग होंगे, सांसद तो उसी के ज्यादा होंगे, यानी तो ये है, 1/4 तो हो सकता है, कोई ऐसा नहीं। सबसे ज्यादा कठिन तो इसमें आएगा, ये वाला, ठीक है, पहली बार ऐसा नहीं है, राष्ट्रपति ऐसा कभी अपने हिसाब से कोई काम करता ही नहीं है, ठीक है, वो राष्ट्रपति समझो एक तरीके का पुतला टाइप का है, ठीक है, सारे काम करता है प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति के नाम से करता है, ठीक है, वो उनको बस फाइल वगैरह पहुंची है, सर यहाँ पे साइन वगैरह कर दो बस, ये, ठीक है, यही होता है, चलो, ठीक है। तो आपका ये हो गया, देखो एक बार फिर से पास हो गया, ये कैसे याद करेंगे, पका निकोता दिया देशन, नहीं, नहीं, नहीं। अभी क्यों नहीं काम भाई, राष्ट्रपति के पावर कुछ है, स्पेशल पावर है, कोई भी बिल है वो अपने पास रख सकता है, कुछ भी विचार ना करे उसके, और हाँ उसी के पास में पॉकेट होता है, उसी के पास में कोई, जब राष्ट्रपति वो मतलब लगाएगा आपातकाल वगैरह लगेगा, ठीक है, इमरजेंसी राष्ट्रपति करेगा, लेकिन जो आपातकाल लगता है वो मंत्रिमंडल जब सलाह देगा तभी होगा, ठीक है, अपने मन से नहीं करेंगे, तो ऐसा भी है, ठीक है। तो देखो एक बार इससे फिर से देखो भाई, ठीक है,
अकान इको का दियो दर्शन, ठीक है। पास एकाद हो जाएगा कार्यपालिका शक्ति, निर्वाचन कोटा रेडी, कार्यकाल और दोबारा निर्वाचन, योग्यता, ठीक है, दशाएं शक्ति सर्वत और महाभियोग, ठीक है, महाभियोग। चलते हैं अब आगे चलते हैं, आर्टिकल लिखो, आर्टिकल आपका 52, ठीक है, आर्टिकल 52 मास्टर नहीं 52, ठीक है, 52, ठीक है, हाँ अच्छी, ठीक है, हाँ है। चलते हैं भाई, चलो तो कल इनको प्रधानमंत्री मोदी जी को शपथ किसने दिलाई, कौन बताएगा, राष्ट्रपति ने दिलाई, ठीक है। क्या हुआ, किसको, हाँ सबको देखे नहीं हो, इसमें दिए तो गए, जिनको मंत्रालय वगैरह मिला है उनको सारे को सारे दिए गए। नहीं ऐसा कुछ नहीं, ये पार्टी वाला नहीं, वो हाँ कभी भी कर सकते, हाँ ये लिखा है, बिल्कुल बिल्कुल, लोगों के हितों की बात करेंगे, ठीक है, संविधान का उल्लंघन नहीं करेंगे, ठीक है, एकता और अखंडता को बनाए रखेंगे, ठीक है, वो सब देखा होगा यार, नहीं तो कौन कहता है यार, ऐसा नहीं है, कुछ भी नहीं है, ठीक है। आर्टिकल 52 आपसे क्या कहता है, पद के बारे में बताता है, राष्ट्रपति एक पद होगा, ठीक है, और देश का सर्वोच्च नागरिक होगा, क्या बात है, क्यों बातचीत कर रहे हो, ठीक है, देश का प्रथम नागरिक माना जाएगा, ठीक है, प्रथम नागरिक माना जाएगा। आर्टिकल 53 में क्या है, आर्टिकल 53 में आपका जस्ट बताया था, 53 में क्या होगा, कार्य एवं शक्तियां, ठीक है, कार्य एवं शक्ति, कार्य एवं शक्तियां की बात की गई है, ठीक है, हाँ वो भी बात एक ही है, ठीक है, कार्यपालिका का लिखो, कार्यपालिका का प्रधान, ठीक है, ऐसे ही बोला गया, ऐसे में लिख लो कार्यपालिका का प्रधान, ठीक है, हाँ तो इसमें ठीक है, एक मिनट रुको, बस आ रहे हैं, ठीक है, चलने दो भैया, शोर, हाँ शोर वगैरह नहीं, अरे क्या है उसकी, बस आ गए, एक मिनट, ठीक है, इसमें अभी रुकना, बस आ गए, ठीक है, आ जाओ, लिखना यहाँ पर, लिखो यहाँ पर, लिखना कार्यपालिका शक्तियाँ, ठीक है, कार्यपालिका की शक्तियाँ, ठीक है, तो इसका क्या है, यहाँ पर कार्यपालिका की शक्तियों से मतलब है कि जितनी भी नियुक्तियां होंगी वो सारे सारा कौन करेगा, राष्ट्रपति करेगा, ठीक है, तो नियुक्तियों से संबंधित है, ठीक है, क्या होंगी, कौन सी, जैसे नियुक्तियां आपकी है, जैसे आपकी पीएम की, ठीक है, पीएम की नियुक्ति है, जैसे आपकी सीएजी की नियुक्ति है, ठीक है, सीएजी की नियुक्ति है, ठीक है, जैसे और भी है, क्या है, वित्त आयोग है, ठीक है, चुनाव आयोग है, मंत्रिपरिषद है, ठीक है, हाँ लिखो वित्त आयोग है, ठीक है, वित्त आयोग के अध्यक्ष, ठीक है, वित्त आयोग के अध्यक्ष, ठीक है, चुनाव आयोग के अध्यक्ष, चुनाव आयोग के अध्यक्ष, चुनाव आयोग के अध्यक्ष, ठीक है, चुनाव आयोग के अध्यक्ष, और यहाँ पर लिखना, इसके बताना वित्त आयोग के अध्यक्ष वर्तमान में कौन है, ये बता सकता है, हाँ ठीक है, अरविंद पनगड़िया, कैसे नंबर के, 16 नंबर के, ठीक है, 16 नंबर के, पहले कौन थे, इसके पहले कैसे नियोगी थे, वो आपके पहले थे, ठीक है, पहले वाले थे कैसे, और एनके सिंह 15वें थे, ठीक है, एनके सिंह 15वें थे, एनके सिंह, और 16वें हैं अरविंद पनगड़िया, और पहले थे कौन, कैसे नियोगी, ठीक है, और ये आपके चुनाव आयोग आपका, इसके भी आपको पता होना चाहिए, पता है सबको, राजीव कुमार, ठीक है, राजीव कुमार, हाँ
सीएजी एक कंट्रोलर एडिटर जनरल ऑफ इंडिया, इसे बोलते हैं नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। नियंत्रक, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, महालेखा परीक्षक, ठीक है, परीक्षक कैसे नहीं होगी, ठीक है, के ओ सी नहीं होगी। हाँ, राज्यपाल की नियुक्ति करता है राष्ट्रपति, ठीक है, राज्यपाल की नियुक्ति करेगा कौन, तो राज्यपाल की नियुक्ति करेगा और राष्ट्रपति करेगा, ठीक है, और ये किसकी सलाह पर करेगा, किसकी सलाह पर राष्ट्रपति राज्यपाल की नियुक्ति करेगा, प्रधानमंत्री, ठीक है, प्रधानमंत्री की सलाह पर। फिर इसके बाद में जो आपका सही है, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट है, फिर आपके हाई कोर्ट है, जो आपके इनके जज वगैरह होते हैं, ठीक है, इनके जज की नियुक्ति भी कौन करता है, राष्ट्रपति ही करता है, ठीक है। और फिर उसके बाद में आपका जो आयोग होते हैं, जैसे कौन से आयोग, एससी आयोग हो गया, एसटी आयोग हो गया, ओबीसी आयोग हो गया, इनके जितने भी अध्यक्ष होते हैं, ये अध्यक्षों की नियुक्ति, के अध्यक्षों की नियुक्ति, ठीक है, अध्यक्षों की नियुक्ति भी कौन करेगा, तो ये नियुक्ति भी करेगा कौन करेगा, राष्ट्रपति ही करेगा, ठीक है, राष्ट्रपति ही करेगा। जो एक होता है अंतर्राज्यीय परिषद का गठन भी 263 के तहत किया जाता है। देखो यहाँ पे अंतर्राज्यीय परिषद का गठन आर्टिकल 263 में बोला गया, ठीक है, आर्टिकल 263 में कहा गया इसकी जो नियुक्ति होती है, तो नियुक्ति वगैरह या फिर इसमें गठन वगैरह लिखो राष्ट्रपति करेगा, ठीक है, राष्ट्रपति करेगा, हाँ, ठीक है, ये आपका मतलब ये करता है राष्ट्रपति ही करता है, ठीक है, राष्ट्रपति ही करता है। और आपका जो आपका प्रधानमंत्री होता है, इसकी नियुक्ति तो आप कहीं अभी जस्ट बताया था, ठीक है, लिखा तो है पीएम की नियुक्ति, सीएजी की नियुक्ति, वित्त आयोग, ठीक है, चुनाव आयोग, एससी एसटी ओबीसी, ठीक है, एक आपकी जो लोक सेवा आयोग होता है यूपीएससी, ठीक है, यूपीएससी होता है, उसके भी अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करेगा, राष्ट्रपति करेगा, ठीक है, राष्ट्रपति करेगा। एक होता है वो शायद कौन है, मनोज कुमार करके कुछ नाम है, ठीक है, हाँ, इनके यूपीएससी वाले, ठीक है, अब हो सकता बदल गए इस टाइम, अच्छा, यही मनोज था, नहीं एनएचआरसी, ठीक है, एनएचआरसी के अध्यक्ष भी आपके कौन होते, मतलब अध्यक्ष की नियुक्ति भी कौन करेगा, राष्ट्रपति करेगा। तो इतने सारे काम होते हैं आपके, कौन करेगा, राष्ट्रपति करेगा। देखो यहाँ पर जितने भी हैं, ज्यादातर मैक्सिमम जो प्रधानमंत्री सलाह देगा उन्हीं की नियुक्ति करेगा, राष्ट्रपति करेगा। तो आपका पीएम हो गया, सीएजी हो गया, वित्त आयोग के अध्यक्ष हो गए, चुनाव आयोग के अध्यक्ष हो गए, एससी एसटी ओबीसी के अध्यक्षों की नियुक्ति, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति, राज्यपाल की नियुक्ति, और फिर उसके बाद में अंतर्राज्यीय परिषद का गठन भी, एनएचआरसी यूपीएससी, ये सभी आपका इनका कार्यपालिका वाले में शक्ति में आता है, ठीक है, कार्यपालिका शक्ति में आएगा, ठीक है। बहुत काम करता है, ठीक है, अभी राष्ट्रपति का शपथ कौन दिलाता है, बिल्कुल, ठीक है, अगर मुख्य न्यायाधीश एब्सेंट रहता है तो कौन दिलाता है, हाँ भाई साहब, ठीक है, लिखो यहाँ पर एक पास में लिख लो, जितने भी मतलब शपथ वगैरह दिलाई जाती है, लिखो राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाएगा, तो सीजीआई, ठीक है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, मतलब मुख्य न्यायाधीश, ठीक है, मुख्य न्यायाधीश, ठीक है, मुख्य न्यायाधीश सीजीआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ठीक है। उसके बाद में ये है, इसको शपथ कौन दिलाएगा, राष्ट्रपति दिलाएगा, ठीक है, इसको शपथ राष्ट्रपति दिलाएगा, ठीक है, राष्ट्रपति जो होता है वो किसको शपथ दिलाएगा, आपका राज्यपाल को दिलाएगा, ठीक है, राज्यपाल को दिलाएगा, ठीक है, राज्यपाल किसको शपथ दिलाएगा, सीएम को दिलाएगा, ठीक है, सीएम को दिलाएगा, ठीक है, जो राज्यपाल ही क्या
अच्छा सॉल्यूशन का तेरह तेरह आठ कितना होता है।